How's the juice? Very, very low right now. It's right now 4:54 in the morning. नहीं मैं अभी सो के नहीं उठा हूँ. मैं actually रात भर सोया ही नहीं हूँ. And here is the problem. Actually पिछले कुछ दिनों से, especially जब से मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, मेरा सोने का pattern बहुत खराब हो गया. मैं सुबह 6-7 बजे सो रहा हूँ, कभी कभी 9:30 बजे सो रहा हूँ, बाद में दोपहर को 3-4, शाम के 5 बजे उठ रहा हूँ. और उसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरा काम नहीं हो पा रहा है, व्लॉग नहीं हो पा रहा है, सारे काम जो है पेंडिंग हो रहे हैं. एंड आज डिसाइड किया कि मैंने थोड़ा सोऊंगा ही नहीं, जितना हो सका खींचूंगा. प्रॉब्ली अगर दोपहर में बहुत ज्यादा नींद आई या फिर जब भी नींद आई तो 2 घंटा सोने की कोशिश करूंगा. दैट इज द रीजन आई एम व्लॉगिंग, आई एम फोर्सिंग माय सेल्फ टू व्लॉग, बिकॉज जब भी व्लॉग करता हूँ मैं काफी एक्टिव हो जाता हूँ. लेट्स सी हाउ फार आई कैन पुश. मुझे लग रहा है आज तो नींद से दंगल होगा बॉस. और जब भी मुझे एक्सट्रीम कंडीशन में नींद से लड़ाई करनी पड़ती है, मैं इमेजिन करता हूँ कि आई एम स्टिल इन कतर एयरवेज. बेसिकली कतर की एक फ्लाइट थी QR001 दोहा टू लंडन, विच यूज टू डिपार्ट एट 7:10. अभी भी वो फ्लाइट है, जिसकी वजह से हम लोग को सुबह 4 बजे उठना पड़ता था और शाम के 7-8 बजे तक, मैक्सिमम 10 बजे तक सोना पड़ता था. और काफी बार ऐसा हुआ है कि पूरा दिन जाग के रात को भी नींद नहीं आई, और फिर सुबह सुबह बिना सोए बेसिकली 24 घंटा जागने के बाद हम लोग को फ्लाइट करनी पड़ती थी 7.5 घंटे की. जब भी एक्सट्रीम कंडीशन आता है राइडिंग के टाइम, अभी ले लो, हमेशा इमेजिन किया हो कि आई एम डूइंग दैट फ्लाइट, हाउ साइकोलॉजिकली आई विल फाइट विद स्लीप. वैसे ये चीज करना अच्छा नहीं है, आई नेवर रिकमेंड. लेकिन आज मुझे अपना स्लीपिंग पैटर्न ठीक करना है, तो आज ये करना पड़ेगा. फिलहाल तो अपना वर्कआउट खत्म करता हूँ, सॉलिड वर्कआउट चल रहा है बॉस. मेरे पेट पे लिटरली क्रैम्प्स आ गए थे, बिकॉज मैं बहुत टाइम बाद एब्स कर रहा हूँ. सॉलिड पोपोटू बॉस मेरा. मैंने अपना एब वर्कआउट खत्म किया, मुझे हल्का हल्का सेंसेशन आ गया था कि क्रैम्प आ रहा है. उठा, कैमरा डाला, चालू किया वो शॉट खत्म करने के लिए, और वहीं पर मुझे आ गया क्रैम्प. तो लिटरली 2 मिनट मुझे उठने में लग गए. आई थिंक आई शुड डू एब वर्कआउट रेगुलरली, क्योंकि थोड़ा पेट आ गया था ना करके मैं एब्स मारना ही छोड़ दिया था, बट अभी से रेगुलरली मारूंगा. पॉइंट टू बी नोटेड माई लॉर्ड. मुझे टिकट भी बुक करनी जगह की. पता तो किधर है, किधर उड़ा जब आप पवई एंटर करते हो, पवेली के बाद एक टर्न है, वहां पर मेट्रो का काम चल रहा है जिसकी वजह से काफी पानी भर जाता है. जब बाइक पर रहते हो तो पूरा चांसेस है कि वो पानी आप पे उड़ेगा, तो बहुत ध्यान से चलाना पड़ता है. वसीम ने लापरवाही दिखाते हुए एक रिक्शा वाले ने वसीम के ऊपर लापरवाही नहीं, मैं देखा और रुक गया, मैं पीछे देखा कोई नहीं आया, मेरे पीछे से ओवरटेक करके बाजू से गया पूरा उड़ाते हुए. बिकॉज़ ही वाज बैटमैन. जूते तो देखो, वाह, फुल सेल में टॉपिंग हुई है, मजेदार बैंकॉक से है. 600 रुपए वाला भाई, 600 रुपये में. बचपन में मैं यहाँ पर खेलता था, और अभी उतरने में भी तकलीफ हो रही है. नहीं, ये मेरे टाइगर के पैनियर्स नहीं है. अगर आपको याद रहेगा, मैंने बहुत पहले एक ट्राइम की दी हुई टाइगर चलाई थी कि उसके पैनियर्स है. बेसिकली ये पैनियर्स मुझे दे दिए थे, लेकिन जब मैंने नई टाइगर ली उसमें पैनियर्स ऑलरेडी थे. और एक चीज जो कि मैंने आपको कभी बताई नहीं थी, अगर आप ये पैनियर्स ध्यान से देखोगे, यहाँ पर ये देखो, ये देखा दिख रहा है आपको क्रैक, ये जो क्रैक आपको दिख रहा है, ये देखो ये थोड़ा सा बेंड है. तो ये क्या हुआ था, राइड नहीं बोलूंगा कौन सी राइड थी, लेकिन एक राइड थी जिसमें मैं आ रहा था, और एक स्विफ्ट वाले ने हाईवे पे एकदम सडन लेफ्ट ले लिया था. उसकी गलती थी, ही वाज चेकिंग आउट हिज फोन, और जब मैंने ब्रेक मारा तो पीछे जो गाड़ी वाला था उसने मेरे को पैनियर में ठोक दिया था, जिसकी वजह से मेरा पैनियर निकल गया था और ये क्रैक आ गया था. लेकिन नथिंग सीरियस. तो अभी जो पैनियर है मैं सौरभ को दे रहा हूँ, ऐसे लेके जा, जो मत दे, हल्का एकदम अंदर है तो नहीं. सौरभ एंड हिज फ्रेंड, तो आदित्य के पास टाइगर है, तो मैंने बोला मेरे पैनियर्स ले ले, गोइंग फॉर अ साउथ राइड इन नवंबर फर्स्ट वीक. ऑल द बेस्ट. अगर मेरा शोल्डर ठीक होता है तो आई विल ट्राई टू जॉइन यू, और प्रॉब्ली आई वांट टू गो टू साउथ मैन, ईस्ट आल्सो. और ये जो दिख रहा है आप, एक निशानी बता देता हूँ, ये जो आपको बहुत बड़ा कट दिख रहा है, ये जब मैं K2K कर रहा था, और मैं K2K करते टाइम जब मैं MP एंटर कर रहा था, आई वाज गोइंग सो फास्ट, और एक पत्थर निकला हुआ था टोल लगा के इधर, तो पत्थर लगा था इधर ऐसा करके, सिर्फ गिरा नहीं था, शायद पीछे बैठी थी.
और ये मस्त सूट पहन लिया है मैंने, और जब भी कोई चीज चाहिए थी तभी नहीं मिलती। आई वाज लुकिंग फॉर अ फॉर्मल शूज, लेकिन मेरे घर में कोई भी फॉर्मल शूज नहीं है बिकॉज मम्मी सारे फॉर्मल शूज वहाँ पर लेके चली गई है। एक ब्लैक कलर का था लेकिन उसकी जो एड़ियाँ है वो बाहर आ गई बिकॉज मैंने उसको 5 साल से पहना नहीं तो वो खराब हो गया। फाइनली मुझे ये वाला एक शूज मिल गया जो कि मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने गिफ्ट दिया था अहमदाबाद में, तो अभी मैं ये पहन रहा हूँ और घर को बना दिया पूरा स्टूडियो। 1, 2 और 3 लाइट यहाँ पर खड़े देखे मैं फोटो निकालने वाला हूँ। एक्चुअली एक बैनर के लिए मुझे फोटो निकालनी है सूट में, सो आई होप फोटो अच्छी है। बाहर जाके भी निकाल सकते लेकिन बाहर थोड़ी गर्मी है, और वैसे भी मेरा पूरा पार्ट कट होगा और उसको फोटोशॉप किया जाएगा, तो नो वरीज यहाँ पर खड़े रहकर मैं फोटो निकाल सकता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करें वसीम चलो शुरू हो जा। एंड वी आर यूजिंग द A6 ये वाला, यूजिंग A6400 टू क्लिक द पिक्चर एंड नॉट दिस कैमरा बिकॉज आई डोंट हैव द प्रॉपर टेलीफोटो लेंस फॉर दिस। टेलीफोटो बोलते हैं आईफोन से भी बहुत अच्छी फोटो आती है, बस आईफोन से और उससे दोनों से लेते हैं। निकल कुछ ज्यादा येलो नहीं हुई, तो जो लाइट थी वो काफी कूल थी। अभी हम लोग थोड़ा वार्म कर रहे हैं और वार्म से मुझे याद है अगर मेरे घर में आज एसी नहीं होता ना तो मैं तो पिघल ही गया रहता। वो लड़की वाला पिघलना नहीं, लिटरली ऐसा शोभित वाला पिघलना हो जाता मेरे साथ। और ये बहुत ज्यादा वार्म है, मैंने कम किया 40% कर दिया। जूम करके फोटो लेने का यही प्रॉब्लम है, एकदम पीछे जाना पड़ता है। सही लाइटिंग हो ना तो छोटे कैमरे से भी अच्छी फोटो ले सकते हो, और कैमरा छोड़ो अभी आईफोन से लिया, आईफोन से जो पिक्चर आई है ना वो DSLR को भी फेल कर देगी। आईफोन का फोटो दिखता बहुत अच्छा लेकिन उसका साइज जो है कम रहता है, मतलब आप पोस्ट में उसको इतना एडिट नहीं कर सकते, कुछ इतना कलर्स नहीं होता। थोड़ा कैमरामैन का भी ऑफ कोर्स मेरी ट्रेनिंग लेना तो अच्छी। अच्छा तो ये या फिर ये फाइनली शायद रेडी हो गई है पंचिंग बैग के लिए, तो उसके लिए पंचिंग बैग लेना है। और ये वाला आई थिंक उसके लिए परफेक्ट रहेगा, ये वाला दिस इज टू बिग, दिस इज लाइक ये देख शानिस दिस इज नाइस। नो नो डोंट टू लिफ्ट इट, इसको लिफ्ट करने का काम नहीं है, इसको पंच करने का काम है बिकॉज पंचिंग से कैलरी अच्छी खासी बर्न होती है। सो नो मोर एक्सक्यूज की बाहर जा नहीं सकती, जिम जाने का टाइम नहीं है, स्टूडियो में आ वर्कआउट कर पंच मार कैलरी बर्न कर और काम पे लग जा। सुनने का नहीं अब से एक्सक्यूज से यस। हाउ इज जोश? वेरी वेरी लो राइट नाउ। ए चले वापस लेके जा पूरा पैसा वेस्ट है। अरे अरे नाउ यू पंच, तो ये हमने ऐसा लटका दिया है। अरे चूड़िया बंद हो यार, इसका झूला जो है वहाँ पर रख दिया है, जब भी चाहिए झूला वापस डाल सकते हैं, लेकिन फॉर नाउ पंचिंग बैग डाल दिया। और शानिस अभी हम तुमको सिखाएंगे बेसिकली। बढ़िया फर्स्ट क्लास। गो। सो दिस इज अ न्यूली ओपन प्लेस बाय माय फ्रेंड हैप्पी सिंह। यहाँ पर हम लोग आए हैं, अभी 2 दिन हुआ है तो फूड ट्रायल चालू है। फिर डिसाइडेड कि हम लोग यहाँ पर आते हैं और कुछ खाते हैं, लेकिन मैं भूल गया था यहाँ पर आने को, तो मैं पहले से हल्का खा के आ गया। नो आई वांट ब्लैक, लाइक हॉट हॉट, सो वी आर जस्ट हैविंग कॉफी फॉर नाउ। पहले तो कांग्रेचुलेशंस फॉर द न्यू प्लेस भाई, ऐसे नहीं तेरे को आके प्रॉपर है अभी भाई। अभी 10:40 की मूवी है, 10:15 हुए, आज कॉफी में छोड़ रहे हैं, अगली बार आएंगे तो दवा खा के जाएंगे। खाना ही पड़ेगा एकदम, खाए बिना मैं तेरे को जाने दूंगा, तेरी मूवी है इसके लिए छोड़ रहा हूँ, वरना सबको लेके आ रहा हूँ, टेलिंग योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एवरीबॉडी। तो अभी अभी मैं देख के आ रहा हूँ मूवी जोकर, और ये मूवी 1-2 बार देखने लायक नहीं है, कम से कम आपको इसको 3-4 बार देखना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द डायलॉग, द हिडन मीनिंग बिहाइंड द डायलॉग, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, एक्टिंग, व्हाट अ वंडरफुल एक्टिंग। पूरे टाइम आप जोकर आर्थर की आंखों से उसकी दुनिया देख रहे हो। दिस मूवी इज़ डीप, डार्क, साइकोलॉजिकल, और अगर आप डिप्रेशन से गुजर रहे हो तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा आप मूवी देखो, बिकॉज आपकी लाइफ को ये हिट कर सकती है। मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है लेकिन मूवी देखने के बाद आई डोंट नो क्या हो रहा है मेरे दिमाग के अंदर। कुछ लोग हैं जिनको मैं रिकमेंड करूंगा, और वो लोग हैं जो कि जिनको आप शायद जानते हो डिजिटल प्लेटफॉर्म में, जो दूसरों का मजाक बना के कंटेंट क्रिएट करते हैं। उनको लगता है दे हैव ऑल द राइट्स इन द वर्ल्ड कि हम किसी के लाइफ का या फिर कंटेंट का मजाक उड़ाएं और लोगों को एंटरटेन करें। और वो लोग जो कि ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं बोलते हैं वाह भाई क्या ले लिए तूने, अरे मजा आ गया उसकी लेके, हम उसके चैनल पर जाके माँ बहन करेंगे। आप सोच में लग जाओगे कि यार ये तो कितना गलत है, वो लाइव टीवी शो वाला सीन जो मूवी में है कुछ समझ में आया, जब आर्थर डायलॉग बोलता है, जो लोगों ने मूवी देखी है वो लोग कनेक्ट कर पाएंगे। मेरा काम तो बोलना था, अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को या फिर यूट्यूबर को जानते हो जो कि इस तरह का काम करता है तो उनको जाके बोलो वो सीन कैसा लगा, वो लाइव टीवी शो वाला अच्छा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बिकॉज मुझे अभी थोड़ा अकेले बन की ज़रूरत है वो मूवी देखने के बाद, और मैं फिर से ज़रूर देखूंगा वो मूवी।
So if you enjoyed this video, don't forget to hit the like button. Thank you for watching yahan tak. As always, shukran, alvida, maasalama, take care and do whatever you want. My lovely friends, because ek hi zindagi mili hai. Jitna ho sake khush rehne ki koshish karo. Warna तो आज के पोस्ट क्रेडिट सीन में मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा. यहाँ तक बहुत कम लोग देखते हैं. इंसानों की इज्जत करना सीखो, ज़िंदगी में खुशियाँ बांटना सीखो. दुनिया तो वैसे ही ख़त्म हो रही है, जितना हो सके प्यार बांटना सीखो. अगर किसी को ना पसंद करते हो तुम, कोई दुश्मन है तुम्हारा, तो उसको अपनी ज़िंदगी से निकालना सीखो, क्योंकि दुनिया ख़त्म हो रही है, जितना हो सके प्यार बांटना सीखो. शेर था क्या? नहीं, शेर नहीं था, बट बन गया. जोकर मूवी देख के लगता है मेरे साइकोलॉजी के साथ भी